से। ये थाली उठा के काउंटर पे। दिल्ली की एक महिला इसे चला रही है कि पैक फूड जगह। वाह, इस तरह की ये टिफिन जाती है पैक फूड। तृप्ता जी हमारे साथ हैं और इस उद्योग संस्थान को ये चला रही हैं अल्पाहार केटरर के रूप में, दिल्ली निर्माण विहार के पास। और देखिए इस ढंग से केटरिंग के साथ साथ आप टिफिन भी पैक करवाती हैं, जो कि हमने आपको दिखाया है। आइए तृप्ता जी, आपसे हम बात करते हैं। ये इलाका निर्माण विहार, निर्माण विहार जी जी। तृप्ता जी, इस लाइन में आना कैसे हुआ आपका, कैसे आ गई आप यहाँ पे? मतलब मेरे को पर्सनली 7 इयर्स हो गए हैं, और वैसे 19 इयर्स हो गए हैं इस काम में। पहले मेरे हस्बैंड करते थे, आफ्टर माय हस्बैंड डेथ ने खुद ही इसको गेन किया जी। अभी खुद ही कर रही हूँ। पूरे कर रही हो, खुद अच्छे से चला रही हो, सेटिस्फाइड हो? हाँ, सेटिस्फाइड। मतलब कोई हस्बैंड के जाने के बाद इस क्षेत्र में आपको कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई? कि हुई, दिक्कत तो बहुत आती है, आती है, लेकिन हैंडल किया। पारिवारिक रूप से ससुराल पक्ष सब ठीक है? सब ठीक है। क्या बच्चे वगैरह, आप अकेले कर रहे हो इस काम को, परिवार में अकेले हो? मैं परिवार में अकेले हैं। व्यूअर्स, एक महिला जिसका पति नहीं है, बच्चे भी नहीं हैं, परिवार से भी कोई बहुत विशेष बात नहीं है, वो इस क्षेत्र को चला रही है और अपना जो सफलता का श्रेय है अपने स्टाफ को दे रही है। स्टाफ आपके? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर आज मेरा स्टाफ नहीं होता तो कोई नहीं है दुनिया। अच्छा अच्छा अच्छा, स्टाफ आपका काम देखता है, वफादारी के साथ देखता है? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा स्टाफ मेरे साथ 7 साल से भी है, और उससे पहले जो मेरे हस्बैंड के टाइम पे था उनमें से 2-3 वर्कर्स हैं अभी, वो भी हैं। हाँ, और अभी मेरे साथ जितना भी स्टाफ है ये भी तकरीबन 7 साल से ही। तकरीबन कितने स्टाफ होंगे, 5-7? नहीं सर, मेरे पास 11 पर्सन है। कितनी बड़ी बात है, एक महिला न सिर्फ अपना बल्कि 11 व्यक्तियों का रोजगार चला रही है। और सिर्फ एक स्टाफ था मेरे पास, पहले एक स्टाफ था। जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई उस समय मेरे पास सिर्फ एक ही शेफ था। उस शेफ ने मुझे बोला कि भाभी आप चिंता ना करो, हम आपके साथ हैं, हम शॉप क्लोज करो। तो फिर मैंने हिम्मत करी, मैंने कहा ठीक है, जब तुम लोग मेरे साथ हो तो मैं करती। इवन फाइनेंशियली मैं इतनी वीक थी, मेरे पास इतना नहीं था कि मैं पूरा सेटअप इसका कर सकूँ। सेटअप जो पहले था वो, क्योंकि मेरे हस्बैंड बीमार थे तो उनकी बीमारी में ही मेरा टाइम निकल जाता था, फाइनेंशियली भी नहीं था इतना। तो मैंने सिर्फ 2 सब्जी बना के और अपना ये काम दोबारा से शुरू किया, और सिर्फ इनके जाने के बाद 17 दिन के अंदर मैंने कैटरिंग पकड़ी, और कैटरिंग भी वो भी 7 दिन की। सिंडिकेट बैंक में मुझे बुलाया गया, वहाँ पर 5-6 कैटरिंग पर्सन आए थे, तो उन्होंने भी अपना अपना वो दिया। और उसके बाद मेरे से जब उन लोगों ने बात करी तो मैंने उनको नहीं बताया कि माय हस्बैंड इज़ नो मोर, तो क्योंकि मैं उनकी सिंपैथी नहीं चाहती थी ना। वाह वाह वाह, अगर सिंपैथी कर लेके ही काम करना था तो फिर मुझे ऐसा काम नहीं चाहिए था। मैंने उनसे कुछ भी एडवांस वगैरह नहीं दिया, इवन उनसे ये भी नहीं बोला कि आप मुझे काम दीजिए। तो फिर उन्होंने जब मुझसे बात करी तो चांदनी चौक से भी आए थे, हीरा स्वीट से भी आए थे, इवन कलेवा हमारी बैक साइड पे है, मतलब हमारी साइड के कम से कम 5-6 लोग गए थे उस दिन। वहाँ कंपटीशन हुआ था आपके? कंपटीशन उस टाइम नहीं हुआ था सर, उस टाइम सबको उन्होंने बुलाया था, सबका उन्होंने पूछा था कि आप क्या क्या देंगे, कितने बजट में देंगे, तो सबसे कम बजट जो था वो मेरा ही था। तो उनको लगा यार ये लेडी है,
और बजट भी इतना कम दे रही है, कैसे करेगी? तो मेरे को ये था कि मेरे को अपना दी बेस्ट देना है, पैसे बचाने की कोई बात नहीं। उस समय मुझे ये था कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे साथ रहेंगे तो मुझे खुशी होगी। आज की डेट में भी सर मैं 50 रुपीज़ से खाना देना स्टार्ट करती हूँ, 50 से लेकर मैं 600 तक मेरा खाना जाता है। 600 पर पर्सन क्या बात है। 50 रुपये की थाली। इवन कोई रिक्शे वाला हमारे यहाँ खाना खाने आता है तो हम उसको भेजते नहीं है, उसको हम 30 रुपये में खाना देते हैं। क्या बात है। जो हम 50 रुपये में देते हैं उसको हम 30 रुपये में देते हैं, ताकि मेरे यहाँ से कोई बिना खाना खाए नहीं जाए। क्या बात है, ये बहुत बड़ी भावना है कि मेरे यहाँ से भूखा ना जाए। क्या बात है, बहुत शानदार। क्योंकि सर उससे क्या होता ना, मैं यहाँ से नहीं बचाऊंगी तो मैं कहीं और से बचाऊंगी। लेकिन अगर मेरे स्टाफ खुश है तो मैं खुश हूँ। सर मैंने 2 डॉग्स पाले। अच्छा। आफ्टर माई मदर लॉ की डेथ मैंने बिल्कुल बहुत, हस्बैंड तो पहले ही चले गए थे, मतलब कोई बेबी वगैरह भी नहीं था, तो फिर मेरे को ना बड़ा फील होता था कि यार घर खाली। हालांकि मेरा जो स्टाफ है मेरा इतना ध्यान रखता था कि मुझे ज़रूरत ही नहीं किसी की भी, फिर भी जैसे घर में रात को जाओ तो घर बिल्कुल खाली खाली लगता था। फिर मैंने सोचा कि नहीं मैं डॉग लेके आऊँगी। डॉग लेके आई तो 2 डॉग एक साथ थे, तो वो दोनों एक साथ ही बैठे हुए थे। मैंने कहा नहीं चल एक नहीं, क्यों इनका भी साथ, जब मेरे साथ इतने लोग जुड़े हुए हैं तो ये दोनों जब जुड़े हुए हैं तो इनको क्यों अलग किया जाए। अरे वाह। उन दोनों को भी ले आए, उन दोनों को भी लेके आई। वो दोनों एक साथ थे इसलिए अलग अलग नहीं होने दिया उनको, अलग अलग नहीं होने दिया मैंने। उन दोनों को लेकर आई अपने साथ, वो मेरे साथ मेरे बेड पे सोते हैं सर, मुझे कोई परहेज नहीं है, और उनका बाकायदा इलाज होता है, बुकलेट बनी हुई है सारा। लेकिन मैं सरकारी इलाज कराती हूँ, बी फ्रेंकली आई कैंट अफोर्ड। लेकिन जब बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं ना तो फिर अगर दरकार पड़ती है तो करना पड़ता है। हाँ जी। जब दरकार पड़ती है बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं तो प्राइवेट में भी जाना पड़ता होगा। तो प्राइवेट में भी जाना पड़ता है क्योंकि आजकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है वो बंद है। तो अभी जैसे वो बीमार थे तो मैंने प्राइवेट कराया। ये बहुत अच्छी, मतलब आपके मन की भावना बहुत सच्ची और अच्छी है। एक तो स्टाफ के प्रति, डॉगियों को भी आपने अलग नहीं किया, अकेलापन को दूर करने की कोशिश की। अकेलापन आपके स्टाफ भी दूर करते हैं, वो आपके परिवार के सदस्य के रूप में रहते हैं। एक संघर्ष के साथ अपने जीवन को सम्मान और स्वाभिमान के साथ बसर करने की ये कहानी दिल्ली के निर्वाण विहार से हो रही है, जहाँ पर इनके इस केटरिंग का नाम है अल्पाहार केटरर। जी ना, अल्पाहार केटरर। और सबसे बड़ी बात है 50 रुपये से लेकर के 600 रुपये तक की जो थाली है खाने का, पर व्यक्ति का भोजन है, वो यहाँ से उपलब्ध है। इसका मतलब इनको कितनी तैयारी रखनी पड़ती होगी, कितनी इनको विभिन्नताएं रखनी पड़ती होगी, कितनी क्वालिटियाँ वेराइटीज़ रखनी पड़ती होगी, ये सब रखती हैं। और इन सब में इनके स्टाफ का योगदान बहुत बड़ा है। तृप्ता जी, ये बात, तृप्ता जी आप यूपी से आती हैं? नहीं सर, यही मेरा रेजिडेंस है। वैसे प्रॉपर्ली कहाँ से हैं? प्रॉपर्ली हम यहाँ, मैं बनिया फैमिली से बिलोंग करती हूँ, रस्तोगी फैमिली से। जी। मेरे पियर जो है वो पंजाबी फैमिली से है, पंजाबी से मिडिल क्लास मैरिज थी मेरी। और अच्छा रहा शायद, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे थे। तो ससुराल आपका यूपी से था या यहीं से था? नहीं, ससुराल मेरा यूपी से था। यूपी से था, पछगाँव से। तो पंजाब और यूपी दोनों मिले हुए हैं एक तरह से, पंजाब और यूपी दिल्ली में दोनों मिले हुए हैं। और मैं यही नहीं कैटरिंग करती सर, सभी जगह जाता है मेरा खाना, द्वारका भी जाता है, सिप्पी जाता है, लोधी रोड जाता है, पैक फूड जाता है, और रिटायरमेंट पार्टी जिनकी भी होती है उनके लिए भी जाता है, बर्थडे पार्टी भी जाती है, किटी पार्टीज, इवन जीवन मरण उसमें भी जाता है, उसमें भी जाता है। क्योंकि वही मैंने आपको बताया, अकॉर्डिंग टू योर बजट मैं प्रोवाइड करती हूँ। ये नहीं सोचती कि मुझे कितना लाभ मिलेगा बजट के आधार पर। क्योंकि सर जिस टाइम मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी उस समय मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं इनका किस तरह से सब संस्कार करूँ। तो मैं सोचती हूँ कि यार ऐसे पैसे का क्या फ़ायदा, मैं इतने ही कमाऊँ जितने मेरे स्टाफ की सैलरी निकले, मेरे घर का खर्च निकले, मेरी दवाई का खर्चा निकले, बस। तो मेरे दोनों डॉगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत
मुस्कुराहट के साथ जीवन के दर्द को भी हंसी के साथ बात करते हुए और सम्मान के साथ जीवन को बसर करने की ये प्रेरकदायक कहानी दिल्ली के निर्माण विहार क्षेत्र से अल्पाहार केटरर की मालकिन तृप्ति रस्तोगी के साथ हम बहुत बहुत आभार ज्ञापित करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया व्यूअर्स। एक नारी की संघर्ष की ये कहानी है, इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।